वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए ब्लॉग की शुरुआत कैसे हो रही है। तो एक सेकंड, ये इतना बड़ा डीपी मिलता है, मुझे देख के खाने का मन कर रहा है। तो एक्चुअली हम लोग कर रहे थे फोटो शूट, तो ये डंगरी पहन के ऐसे दो पूंजी बना के, जो कि आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा होगा, ऐसे बड़ा ही प्यारा प्यारा फोटोज लिया हमने। कुछ प्रॉप्स यूज किए, चिप्स का पैकेट, फिर चॉकलेट्स, और बहुत ही क्यूट क्यूट पिक्चर्स यहाँ पे लिया। और कितने टाइम के बाद मैं ऐसे ज़मीन पे बैठी हूँ, मैं अंगद को वही बोल रही थी, बहुत टाइम हो गया कि मैं पालथी मार के आराम से बैठी हुई हूँ। तो ना मुझे बहुत ही मन था कि डंगरी में फ़ोटो लिया जाए, बड़ा क्यूट सा लगता है। मैंने कहा चलो ये भी काम कर ही लेते हैं। तो कुछ सोलो लिया, कुछ अंगद के साथ में लिया। ये वाला भी एक फ़ोटो में देख रही थी कि कैसा आया है, बहुत ही क्यूट क्यूट सा पिक्चर्स आया है। बाकी मैं अच्छे से इसको एडिट करूंगी तो आप इंस्टाग्राम पे देख लेना, ये है मेरा हैंडल। तो चलिए, आज है संडे, बड़ा ही एक्साइटिंग दिन है, बहुत कुछ प्लान किया है, पर सबसे जरूरी काम था फोटोशूट, वो खत्म हो गया। प्रॉप में ये वाला चिप्स यूज किया, पर अब ये सिर्फ प्रॉप थोड़ी है, इसको तो खाना पड़ेगा ना, इसको इज्जत देनी पड़ेगी। इतना टेस्टी होता है, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करिएगा। ले इसका ये गोरमे थाई स्वीट चिली, अगर आपको खट्टा खट्टा अच्छा लगता है ना, तीखा खट्टा, तो ये वाला फ्लेवर बड़ा अच्छा है। फ्रंट एंगल से तो उतना पता नहीं चल रहा है अच्छे से, पर साइड एंगल से ना इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छे वाले आ रहे थे। पता है मेरा मन क्या था प्रॉप में ना, मुझे एक लॉलीपॉप यूज करने का मन था, इतना बड़े साइज का लॉलीपॉप आता है, मॉल वगैरह में मिलता है, उसके साथ ना बहुत ही क्यूट आता है पिक्चर ऐसे वाले, पर आसपास सुपरमार्केट में उतना बड़ा सा मिला नहीं, तो फिर मैंने डेरी मिल के साथ ही कर लिया कि कोई नहीं। पर अगर लॉलीपॉप होना इतना बड़ा वाला तो बहुत बहुत क्यूट होता है। या फिर आपके पास बलून हो हाथ में, तो आप एक हाथ में बलून रख लो, एक हाथ में लॉलीपॉप रख लो। बेसिकली ये वाला जो अटायर है ना, इसमें आपको क्यूट वाले पिक्चर्स देने होते हैं, ऐसे पोनीटेल कर लो, क्लिप्स लगा लो, जो भी आपको लगता हो। बहुत लोग ऐसे वाले भी पोनीटेल करते हैं, गोल सा भी करते हैं पोनीटेल ऐसे करके कुछ, तो बहुत ही क्यूट लगता है। मेरे से होता नहीं तो मैंने नहीं किया, पर आपने मुझे ऐसे दो पोनी में पहली बार देखा होगा नहीं, पर मैं ये बहुत ज्यादा पहले किया करती थी घर पे, अच्छा लगता था। जैसे बहुत टाइम से नहीं किया, पर लगता क्यूट और मैनेजेबल भी होता है, पता है आपको अच्छे से होगा। अगर चाहो तो इसको आप ब्रीड कर लो तो भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा, तो अच्छा लगता है। और साथ में जो हमने कपल वाला फोटो लिया, उसके लिए अंगद ने ये पहना था, तो मेरे से काफी मैचिंग मैचिंग हो गया, ब्लू एंड व्हाइट। ये वही वाला टी शर्ट है जो लेकर मैं गई थी वायनाड, ब्लू ने तुम्हारी इज्जत बचा दी। हाँ एक्चुअली बाकी तो सब ब्लैक एंड ग्रीन, ब्लैक एंड ग्रीन, ब्लैक एंड ग्रीन। मुझे एक कमेंट आया था, पता है शोना, आप जो हॉस्पिटल बैग आप पैक करोगे, देखना उसमें सब सेम कलर अंगद का मत डाल देना। चल जाएगा नहीं, कोई नहीं। पर मैंने इस बार लिया है, वैरायटी ले लिया भाई, रेड येलो ग्रीन सब ले लिया है, अब ये गलती कभी नहीं। तो लिया मैंने, पर मुझे खोलने का मन नहीं कर रहा है, पर गर्मी भी हो रही है ना, तो क्या करूं। अगर आपको ये लेना होगा तो मैंने मिंत्रा से लिया है, आप सर्च करो डंगरी करके तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे डेनिम डंगरी करके। पर ना ये पहन के बाहर में जाना मैंने प्रेफर नहीं किया, जबकि प्रेगनेंसी में बड़ा क्यूट लगता है। वो रीजन ये है कि आपको वॉशरूम जाना हो तो पूरा ये खोलना फिर पहनना, कौन उतना करे। तो मैंने डंगरीज तो अवॉइड ही किए, एक बार एक आध पहना होगा बस उतना, और कुछ भी नहीं। पर अच्छा लगता है, बाद में पहनूंगी, क्यूट लगता है, और व्हाइट के साथ में ना अच्छा जाता है। एनीवेज आज है संडे, तो कुक की तो छुट्टी है, तो खाना पीना है मुझे हमें ही बनाना है, तो हम लोग बना लेंगे खिचड़ी। एकदम कामचोरी मोड पे हूं मैं, ज्यादा मुझे काम नहीं करना, तो खिचड़ी खा लेंगे। और बड़ा ही एक्साइटिंग डे है, टाइटल में आप मैंने मेंशन किया होगा शायद, तो जहां जाना है वहां पे शाम में जाएंगे। मंथ में एक बार ही ना हम लोग डिशवॉशर का साइकिल चला देते हैं पूरा अंदर से क्लीन होने का, तो कुछ दो घंटे का साइकिल होता है, अभी एक घंटा बचा हुआ है, तो अंदर से पूरा क्लीन हो जाएगा। ये करना जरूरी है, वैसे तो दो हफ्ते में भी किया जाए तो बेटर है, पर हमारा उतना भी गंदा नहीं रहता, साफ रहता है ना, दो लोगों का ही बर्तन है, तो महीने में एक बार ही करते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर ओवर द टाइम क्या होगा ना, स्मेल बैठ जाएगी, फिर वो जाएगा नहीं। खिचड़ी देखिए बना दी, फटाफट हो गया। इसमें ना अब लास्ट में थोड़ा सीजनिंग करूंगी खाने के टाइम पे, अभी नहीं। एक क्वेश्चन मुझे बहुत फ्रिक्वेंट आता है कि क्या मैं राई का पिलो बेबी के लिए लूंगी, बनाऊंगी, क्या करूंगी। तो देखिए ये वाला राई का पिलो है, जो कि बहुत पहले ही मैंने ले लिया, और ये ना प्रॉपर सिर्फ राई ही है इसमें, मतलब कोई भी कॉटन या मेमोरी फोम का मिलावट नहीं है। ये देखो आप, आवाज शायद आपको आ रही होगी, तो पूरा अंदर फिलिंग किया हुआ है। अगर किसी को रिफिल करना हो तो आप ऐसा यहां से खोल दो, और डालना हो तो डाल दो फिर सील दो, वो भी आसानी होगी। अदरवाइज ना मुझे तो क्वांटिटी सही लग रही है, पूरा वो है, और ऊपर में देखिए ये कॉटन का कवर है, तो आपको जब वॉश करना हो तो आप इसको वॉश कर लो। डंगरी मैंने चेंज कर ली और बाल भी खोल लिए, क्योंकि वो जो दो था ना चोटी, बहुत टाइम बाद बांधा ना, तो बहुत हैवी सा लग रहा था कि सर इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो इससे पहले सर दर्द हो चेंज कर लिया। एनीवेज ये जो मैंने रिसर्च किया ना बेबी के पिलो के बारे में, तो मैंने देखा ना कि तीन तरीके के मिल रहे हैं ऑनलाइन। एक मिल रहा है कम्प्लीटली मेमोरी फोम वाला पिलो, जो मुझे नहीं चाहिए था,
दूसरा मिल रहा था मेमोरी फोम के साथ में राई वाला, मतलब उसमें क्या करते हैं साइड्स में मेमोरी फोम देते हैं और सेंटर में ना एक होल सा रहता है छोटा सा, उसके अंदर राई डाल देते हैं, तो बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ राई रहता है और बहुत लोगों को लगता होगा कि उसमें अच्छे से हेड जो है फिट हो जाएगा, पर मुझे वो सही नहीं लगा, मुझे चाहिए था कि प्योर राई का हो। तो ऐसे कुछ कम ही ब्रांड्स है जो ऐसे प्योर राई का बना रहे, पर मिल जाते हैं, और वैसे तो आप घर पे भी बना सकते हो, पर क्योंकि मुझे जो कवर चाहिए था ना इस पिलो का, वो मेरे जो कॉट का जो मैं डेकोर कर रही हूँ, जो बाकी चीजें ले रही हूँ, बेडशीट वगैरह हो गया या क्विल्ट है जो भी है, तो उससे थोड़ा बहुत मैच करता हुआ चाहिए था मुझे क्यूट सा, तो वो कवर तो मुझे ऑनलाइन ही मिलता, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही ले लिया। अदरवाइज आप ये बना सकते हो, कुछ इसमें है नहीं, कोई भी कॉटन का कपड़ा लो, उसमें राई डाल दो, सिल दो या टेलर से बनवा लो, पर बाहर भी अफोर्डेबल रेट में मिल जाता है, सब मिल जाता है, थोड़ा सा बस रिसर्च करना पड़ता है। एनीवेज तो ये लिया है अभी के लिए फिलहाल, और कवर अगर लेना होगा तो फ्यूचर में देखूंगी। तो ये ना ट्रेडिशनली लोग फॉलो करते हैं, पर आजकल अगर आप डॉक्टर से पूछोगे ना बेबी होने के बाद कि क्या राई के पिलो पे सुलाए, तो वो मना कर देंगे कि जरूरत नहीं है, पर ये हमेशा से यूज किया जाता है। तो मैं ऐसा नहीं है कि हर चीज बेबी के लिए जो फॉलो करूंगी वो ट्रेडिशनल होने वाला है, एकदम बाय द बुक्स की जैसा चलता आ रहा है, पर कुछ चीजें हैं जो मैं यूज करूंगी। अब जैसे कि देखिए, मेरे पापा भी डॉक्टर थे, पर मेरे केस में राई का पिलो यूज किया गया है, तो मुझे पता है कि वो ठीक है, तो इसलिए मैंने भी यूज कर लिया। पर बहुत सारी चीजें जो मेरे साथ में नहीं की गई है, तो मुझे पता है कि हाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, तो मैं वो नहीं करूंगी। मैं बेसिकली ऐसे फॉलो करूंगी, जैसे कि मैंने कहा था काजल मेरे पापा मम्मी मुझे नहीं लगाते थे, आंखों की बात कर रही हूँ, तो मैं आंखों में नहीं लगाऊंगी, ये करते थे तो मैं करूंगी। तो बेसिकली जैसे मुझे पाला गया, मैं अपने बच्चों को चाहूंगी वैसे ही पाला जाए, सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो मेरा चॉइस ये कि सब कुछ ट्रेडिशनल ना हो, पर हाँ कुछ चीजें थोड़ी बहुत जो लगता है जरूरत है वो रखूंगी, बाकी जो है वो अपना हिसाब से मॉडर्न जो होगा। बट जो कॉट है ना बहुत ही सुंदर निकल के आएगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो ऑलमोस्ट डेकोरेशन की चीजें हैं, जो भी चीजें उसमें लगनी है वो मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है प्लान, एक आध चीज और आएगा फिर डन हो जाएगा। तो हाँ, ये राय का पिलो, इसका बाय द वे मैं लिंक आपको दे दूंगी, इनके साथ ढूंढ रहे हो, ये बहुत अच्छा है। ले रहा है और शेव भी कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, तो मैंने कटिंग वटिंग कर ली है। खिचड़ी को मैं सीजन कर लूंगी, गर्मा गर्म खा ही लेंगे, क्योंकि शाम को निकलना है बाहर। शाम मतलब सोचा है कि थोड़ा लेट करके निकले, क्योंकि डिनर का प्लान बाहर है, तो ऐसे टाइम पे जाए कि जो काम है वो भी हो जाए और फिर वहीं से वहीं कहीं बाहर निकल जाए खाने के लिए। एक्चुअली बाहर खाने का प्लान ना फ्राइडे से है, फ्राइडे नाइट को भी अंगद ने एक पब बुक कर रखा था कि वहां खाएंगे, मेरा मन ही नहीं किया। मतलब 6 बजे मैंने अंगद को बोला कि सुनो प्लान कैंसिल कर दो, नहीं जा पाऊंगी, फिर उसने बोला ठीक है, तो हम लोग सैटरडे को चले जाते हैं। सैटरडे को थोड़ा सा काम में लग गए हम लोग, कुछ उस काम निपटाना था, उसके बाद फिर से हिम्मत नहीं हुई, रिजर्वेशन करवाया हुआ था कैंसिल किया। अब आज मैंने बोला ठीक है, आज बाहर तो जाना ही है, तो जहां जाना है ना वहां सुबह नहीं जाते, दोपहर में नहीं जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो फिर डिनर करते हुए आएंगे। एक बार बाहर निकली भी रहूंगी ना तो आलस नहीं आएगा, तो चली जाऊंगी, वरना सिर्फ और सिर्फ जाने के लिए लग रहा है कि अरे यार अब छोड़ो, जाने देते हैं, ट्रैफिक भी बहुत है, वीकेंड में कौन ही जाए इतना, पर आज अब चले जाएंगे। इनका बड़ा मन है कि चलो चलो बाहर खावा के आते हैं। देखिए ये एक फोम का पीस है, ये हमने कटवाया है स्पेशली, कस्टम कटवाया है एक्चुअली, तो जो कॉट होने वाला है ना उसके बेस में जो गद्दा होता है वो हम ये लगाने वाले हैं। ऑनलाइन हमने जितना भी गद्दा देखा ना कॉट के साथ में, वो सारे मेमोरी फोम वाले थे। तो मेमोरी फोम क्या होता है ना, एकदम धस जाता है, जैसे हमारा बेड है वो वाला जो मैट्रेस है मेमोरी फोम है, तो हमें बेबी के लिए ना वैसा मेमोरी फोम नहीं चाहिए कि एकदम गड्ढा सा हो जाए, हमें चाहिए कि थोड़ा सा स्टिफ लेयर हो। और ऑब्वियसली इसके ऊपर नहीं सुलाना है, इसके ऊपर और भी चीज़ें आएंगी जो गद्दा वाला लेयर क्रिएट हो जाएगा, तो उसको तो ऐसे सॉफ्ट ही लगेगा, पर बेस हमें स्ट्रांग चाहिए था। तो ये वाला जो है ना, मुझे लग रहा है कि दो कवर बन जाएंगे एक चादर से, क्योंकि चादर तो बड़ा है ना, ये पूरा किंग साइज वाला चादर है। कितना है इसका? 116 है, आराम से हो जाएगा लेंथ में, तो आराम से दो बन जाएगा ना। तो क्या करने वाली हूँ ना, एक्चुअली इसमें ना मैं जिप डलवा दूंगी, ठीक है, दो बनाऊंगी, जिप रहेगा, जिप से ये कवर चला जाएगा, इसके अंदर मैं डालूंगी ड्राई शीट। तो पहले आएगा फोम, फिर आएगा एक ड्राई शीट, फिर आएगा जिप वाला ये कवर, फिर इसके ऊपर आएगा बेबी का एक्चुअल बेड जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट होने वाला है, और उसके ऊपर आएगा बेबी। हाँ, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेंथ विड्थ सब में मैंने 4 फोल्ड किए हुए हैं। हाँ, 4 फोल्ड में भी आ रहा है, तो मतलब ऊपर नीचे 2 फोल्ड हो गया, और एक और सेम ऐसा एक और पैर हो जाएगा।
तो आराम से हो, आराम से हो जाएगा। और ये कलर भी ऐसा ब्राइट सा है ना कि गंदा नहीं होगा, मतलब धोना भी रहा तो, और धोना भी इजी अपना कवर के साथ चढ़ जाएगा। तो ये हम थोड़ा कस्टम मेड खुद से बना रहे हैं। तो उस पिंक वाले का DIMT आज हो जाएगा, उसके ऊपर दो कवर सोच रही हूँ कि चढ़वा दूं, उसके बाद अपना वो यूज होता रहेगा। पर वो कवर जो है वो एक्चुअल बेडशीट नहीं है, समझ सोचिएगा हाय छोटे बच्चे के लिए ऐसा पुराना सा चादर वाला बेडशीट बना रही है शोना, इतना कुछ तो ले रही है पर बेडशीट नहीं ले रही है, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली ना अंदर का बेस होने वाला है, वो दिखने भी नहीं वाला। उसके ऊपर ना मैंने बहुत प्यारा सा एक मैट्रेस का सेट ले रखा है जिसमें, जो बहुत ही सुंदर है, पर वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ अभी, वरना जब मैं वीडियो बनाऊंगी कॉट वाला एक मुझे अलग से बनाना है तो उसमें फिर मैं क्या दिखाऊंगी आपको, सब कुछ अगर दिखा दिया तो वो रहेगा, तो बेसिकली वो बेस के ऊपर आ जाएगा। और इनफैक्ट वो जो येलो वाला बेडशीट आएगा ना, वो तो कवर हो गया मैट्रेस का, उसके ऊपर एक बेडशीट की लेयर आएगी और उसके ऊपर आएगा वो वाला जो मैं छोटा सा मैट्रेस मैंने लिया है, ऐसे ऐसे बेसिकली लेयर है। तो जो मैंने बेडशीट्स लिए ना वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए एक जैसे कि ये वाला मैंने बेडशीट लिया, एक ये वाला बेडशीट है। तो ये बेडशीट्स कैसे होते हैं जो आते हैं कॉट के लिए, सारे फिटेड होते हैं, ये देखिए नॉर्मल बेडशीट्स नहीं होते, सारे फिटेड होते हैं छोटे से, ये इतना बड़ा है। तो क्या है ना कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर आपको जो मैट्रेस रखना है, जो वो मैट्रेस जो होता है ना वो इजीली आप उठा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, ऐसा नहीं कि उसमें फिक्स रहता है, उसको उठाया बेड पे रख दिया कहीं भी रख दिया, वैसा वाला गोदरी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैट्रेस की बात कर रही हूँ, वो अलग आता है। तो ये इससे क्या होगा, वो येल्लो वाला चादर ढक जाएगा, बिकॉज येल्लो वाला ऑफकोर्स दिखने में बहुत ज्यादा ब्राइट है, उतना अच्छा नहीं लगता है, पर प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना। फिर एक ये वाला बहुत ही प्यारा सा बेडशीट है। तो ये सब ना मैंने वो वाले थीम पे लिया है सारे बेडशीट्स, या ओवरऑल कॉट का जो मेरे मास्टर रूम से भी, मास्टर बेडरूम के भी थीम से जाए, ऐसा ना हो कि हमारा रूम ब्राउन बेज चल रहा है और बेबी का मैंने सब कुछ लाल पीला कर दिया, वो भी रीजन है कि अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा ऑफकोर्स वास्तु में कलर्स को भी मुझे फॉलो करना है, तो मैं उतने ब्राइट कलर्स में जाती नहीं हूँ। तो इसी से जुड़ा हुआ मुझे कभी कभी एक आ जाता है ऐसा कमेंट जो देख के मुझे लगता है कि हे भगवान, अभी भी दिमाग इंसान का वही है। तो मुझे भी कुछ दिन पहले भी कमेंट आया था, उससे भी पहले कमेंट आया था, और वो ये आया था कि अच्छा आप जो भी चीजें ले रहे हैं ना ये सारे बॉयज के हिसाब से ले रहे हैं, आपको लगता है बेटा चाहिए। सोचिए मैंने इतना स्ट्रगल करके कंसीव किया है, सब कुछ यूट्यूब में बताया है, फिर लगता है कि कहीं से भी कहीं पे भी मेरे दिमाग में ये सब होगा लड़का या लड़की है। भाई मैंने पहले Q&A में बोल दिया है कि बेटी हो तो भी ठीक, बेटा हो तो भी ठीक, बस हेल्दी हो, फुल टर्म हो, वही मेरी इच्छा है। पर जो मेरी चॉइस ऑफ कलर्स है ना वो ऐसी ही है, जैसे कि मैंने जो बेबी के लिए कपड़े भी लिए, मैंने आपको दिखाया है H&M का, वो सारे ऐसे कलर में आपको मिलेंगे, बेज ब्राउन। तो बच्चे के जो भी आप देखोगे ना चीजें, वो ऐसे ही थोड़े से पेस्टल शेड्स में होंगे, लाइट शेड्स में होंगे, थोड़े बहुत मैंने डार्क भी लिए हैं, जैसे मैंने येल्लो में भी लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कलर्स, हाँ ठीक है रखना है, रेड में लिया है छठी के लिए, फिर ब्लू में भी है, एक मैंने बहुत अच्छा सा पिंक में भी लिया है, पर वो सब कम कम एक एक रख लिया है कि हाँ कलर है। आजकल वो सब नहीं रहा कि लड़के का कलर जो है वो ब्लू है, लड़की का कलर जो है पिंक है, ये सब कोई नहीं फॉलो करता है। इनफैक्ट आप अच्छे ब्रांड्स में जाओगे ना, जैसे H&M का जो मैंने आपको ये दिखाया ना, ये एक्चुअली वो लोग सेल कर रहे हैं बोल के फॉर गर्ल्स अगर आप देखोगे तो, पर ये कलर्स ऐसे आते, तो कलर वाला सिस्टम खत्म हो गया है। तो जिनको करना है करे, जैसे कि अभी भी हॉस्पिटल में देखती हूँ कि लड़की होती है तो बाहर पिंक बलून लगाते हैं और अगर लड़का है तो ब्लू, पर चलिए वो एक आइडेंटिफिकेशन वाली बात हो गई, पर पर्सनली पेरेंट्स मुझे नहीं लगता अभी सब फॉलो करते हैं। तो ज्वेलरी में ना आज बस ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, उसके बाद में टाइम लगेगा वो आने में, क्योंकि ना हर बार रहता नहीं है ना, तो मैं तो ऑनलाइन मैंने देख लिया कि मुझे कौन सा चाहिए, वो पहले से पसंद ही है। और एक बार कुछ टाइम पहले मैं आई थी शॉप में, दूसरे शॉप में जाकर के मैंने ट्रायल भी लिया था, तो मुझे आइडिया तो है कि कैसा है, तो बस ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा पर फिर भी थोड़ा तो लग जाएगा। और जो ट्रैफिक देख रही हूँ, ओ हो वीकेंड को ना इस वजह से दिवाली है ना, सब लोग अचानक से एकदम बाहर रोड पे ही दिख रहे हैं, पूरा लग रहा है कोई ना कोई फेस्टिवल, इतना भीड़ है। ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उसने बोला है 2 दिन में आ जाएगा, फिर आप पिकअप कर सकते हो।
तो दो दिन में तो नहीं आएंगे हम लोग, देखते हैं। सितंबर में एक्चुअली मुझे आके पिकअप करना है, अगस्त एंड एंड में नहीं लेती हूँ, छोड़ दीजिए, सितंबर में लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है आप फोन करना जब आपके पास आ जाए, क्योंकि मैंने पसंद तो कर रखा था, बस जाके वहाँ पे बोलना रहता है, ऑर्डर प्लेस करना रहता, और ये वाला हमारे घर के थोड़े पास में ही है तो यहाँ पे कर दिया। तो ये चलिए जो काम था मेन हो गया और जल्दी भी हो गया, ऐसे भीड़ थी पहले हो जाता, 10-15 मिनट हमने वेट किया है ना, हमारा तो काम मैंने कहा था बहुत 5-10 मिनट का है, सारे बिजी घूम रहे थे, क्योंकि पसंद तो मेरा किया हुआ है। मैं ना ज्वेलरी लेने में ना, जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि बहुत कंफ्यूजन होती है क्या ले क्या ले, मेरा उल्टा है, मुझे अगर ज्वेलरी लेनी होना तो मैं इतना फिक्स रहता है कि यही पसंद है यही लेंगे, तो वो 5 मिनट का काम लगता है मुझे। ऑनलाइन वाला बेहतर वो भी हो जाता है ना कि आप सारा कलेक्शन तो ऐसे देख लो, हाँ फिर आपको पता ही है, आके एक बार चेक कर लो। तो वो तो मैंने पहले ही कर लिया था, बहुत ही कुछ ऐसा लग रहा है, वो तो मैंने पहले ही देख लिया था, तो बस बुकिंग ही करनी थी, तो हो गया। अब बज गए 7, तो 8 बजे की बुकिंग है हमारी, तो आएगी एक घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे कोरमंगला, है ना, ट्रैफिक तो है बट पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज बहुत दिनों बाद बाहर निकले हैं खाना खाने के पर्पज से, क्या लिया है वो नहीं बता रही हूँ अभी, सरप्राइज रहेगा, तो जिस दिन डिलीवर होगा, जिस दिन मिलेगा हाथ में, उस दिन आपको दिखाऊंगी। तो खाना पीना हो गया, अभी निकल रहे हैं, और सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी खाना भी खा लिया हमने भी, 9 ही बज रहे हैं और घर के लिए भी निकल गए, पता नहीं कैसे आज। जहाँ मैं सोच रही थी कि लेट पहुंचेंगे, सब कुछ लेट होगा, एंट्री नहीं मिलेगी, भीड़ तो एक्चुअली अभी बढ़ रही थी, पर हमने ना गड़बड़ में फटाफट फटाफट हमने कुछ और मंगाया, कुछ और आ गया, फिर हमने वो खा लिया, उसके बाद फटाफट एनीवेज तो निकल रहे हैं, आई गेस पहुंच भी जाएंगे आधे घंटे में, तो 9:30 बजे रैप अप हो गया, जबकि इतने बजे तो हम निकलते थे खाना खाने के लिए, पर आज जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे वही था ना कि थक जाऊं इससे पहले, खाना एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। तो चलिए अच्छा रहा आज का दिन, बड़ा अच्छा रहा, सुबह से लेके आज फुल एक्टिव ही हूं मैं आज, और आज अंगद नहीं सोया है दोपहर में, पिछली बार मैंने ब्लॉग में दिखाया तुम कैसे सो रहे थे, देखा मैंने वो ब्लॉग, अच्छा रहा आज का संडे। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग भी यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और मैंने कौन सी ज्वेलरी ली है वो जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। बाय बाय।